देखें, जब विंडो शॉपिंग करनी हो ना, तो विंडो शॉपिंग करने का हमने प्लान किया किस तरह करना, ताकि लगे शॉपिंग हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। देखें, हाँ जी शादी, ये ले लें, प्रॉपर वाला नॉनस्टिक वाला लेंगे ना। हाँ ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। और ये जो ग्लव्स हैं, देखें ये भी नाइस है ना, कलर अच्छा नहीं, और एक ग्लव है, देखिए ना प्राइस। हाँ ओके ओके ओके, ठीक रहे हो, समझ रहे, बस ये सीन चलाना जाम तो देखते रहो, बस देखना, बस जरूरी चीजें बोलनी है। ये वाला बिस्किट कैसा है, ये तो पसंद करती है और ये भी शायद टिल तक जाते हुए ना मूड बदल गया कि पसंद नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं और ईमान निकल रही हैं नई गाड़ी में, ईमान का फर्स्ट टाइम है लाइक मेरे साथ ड्राइव, मैं करूँगी और ये बैठेगी, और हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले ईमान की, वो क्या कहते हैं, ईमान की डिज़ायर पूरी करने के लिए। रात दो दिन से इसने कुछ बुक्स देखी हैं और इसको वो बुक्स चाहिए, अब अल्लाह करे इसको वो बुक्स मिल जाए तो ये बहुत खुश हो जाएगी, बिकॉज बहुत होप है ऑनलाइन है, लेकिन ये ना अभी जा रहे हैं तो कह रही है दो दिन से कि मुझे लेके चलो पहले यहाँ चेक करेंगे, तो पहले इसकी बुक्स लेंगे, उसके बाद थोड़ी सी ईद शॉपिंग आज करनी है, थोड़ी सी क्या, जो ईद शॉपिंग होगी वो करेंगे, बट ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे स्टाफर्ड रोड जाना चाहिए कि आलम रॉक जाना चाहिए, पहले किंग्स ही चलते हैं, देखते हैं कैसे ड्राइव कर रही हूँ। नॉर्मली अली साथ में बैठते होते हैं तो थोड़ी सी जो ड्राइव की है तो आज वो नहीं है, सो इट्स टोटली ऑन मी। तो ड्राइव कर लेती हूँ, सिर्फ थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है और थोड़ा सा ना वो नर्वस हो जाती हूँ, होना नहीं चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली 15 साल से ड्राइव कर रही हूँ, वो होता है ना नई गाड़ी में ये होता है कि अभी भी गाड़ी ली है तो बस अच्छे से ड्राइव कर लूँ, सो होपफुली एक दफ़ा वो थोड़ा सा, डर नहीं कहूँगी, खौफ नहीं कहूँगी, बस थोड़ा सा वो झिझक सी जो है ना उतर जाए ना, जो भी हम करने जा रहे हैं ये ड्राइव करेंगे तो यह ठीक होगी, क्योंकि नई गाड़ी है, मुझे यही होता है कि इसके कुछ फंक्शंस मैं गलत ना कर दूँ, तो इसकी पे सिंपल एंड वी कैन गो फर्स्ट गेट हर बुक्स, उसके बाद वहाँ से डिसाइड करेंगे कि मुझे आलम रॉक जाना है कि स्टाफोर्ड रोड जाना है। इस वक्त हम लोग काफ़ी लेट निकले हैं तो स्कूल टाइम भी फिनिश होने वाले हैं, आलम रॉक इज़ गन बी जैम पैक्ड, या दोनों जगह चलते हैं देखते हैं, चलें आप भी साथ में हैं तो देखते हैं कहाँ निकलते हैं आज, तो दुआ है कि कुछ अच्छे से कपड़े मिल जाएँ। ईमान ने तो शॉपिंग करनी ही नहीं, वो होता है बैंगल्स अच्छे से कुछ आउटफिट्स वगैरह, इसका नहीं है, इसके बस यही जो इसने पहने हुए यही इसने बहुत सारे नए ले लिए हैं, तो ये नहीं करती तो कोई बात नहीं, मैंने तो करनी है, मैंने तो ईद है तो अच्छे सी आउटफिट बैंगल्स और कुछ ज्वेलरी। आज शो नम भाइये नहीं, इसने कपड़े काफ़ी सारे लिए हैं लेकिन वो जो नहीं है पाकिस्तानी कपड़े, एशियन कपड़े, अपने कपड़े वो ये नहीं पहनती, तो है अपनी अपनी चॉइस होती है, शी डज़ लाइक दम। हालांकि जब ये छोटी होती थी तो ये एक छोटी सी मैडम जो है ना, शी यूज़ टू लव वेयरिंग लहंगास चोलीज एंड शलवार कमीज बैंगल्स मेकअप मेहंदी भी पहनती होती, सो आहिस्ता आहिस्ता शौक ख़त्म हो गया इसका और मेरा शौक बढ़ गया। So yeah, let's go. Let's see what we do today. Yes, the drive was really nice. And parking, I made perfect. So yeah, kind of like the car. I'm getting hang of it. तो बस अभी पहले ईमान का ये काम करते हैं, वैसे मौसम अच्छा है लेकिन मुझे थोड़ा सा ना वो हवा चल रही है, थोड़ी सी ठंड लगी हुई थी तो ये जैकेट पहन लिया है जस्ट अपनी सेफ्टी के लिए, तो बस अब चलते हैं और ईमान की बुक्स लेते हैं, पता नहीं कौन कौन सी पसंद करेगी, तो लेट्स सी। इस वक्त तेज़ हो रही है क्योंकि वो शॉप आ गई है, द शॉप से फॉर योर बुक्स, that's what I said and he heart beat is fast.
स्कूल ऑफ गुड एंड ईविल है जाल यू कैन आस्क व्हाट इमान वांट्स इट्स अ बुक सेट 5 बुक्स हैं और ये सिर्फ एक सेट है अभी बहुत सारे और सेट इसने देखने हैं कुछ यहाँ से मिलेंगे कुछ नहीं तो आधी खुश हो गई है क्योंकि इसको ये बुक मिल गई है यहाँ पे ना पहले थोड़ी सी साइड हो गई थी क्योंकि ऊपर यहाँ नहीं थी तो वो राइट उस साइड पे नीचे थी आई थिंक सो ओनली द वन यहाँ नीचे से मिली इसको इसी के लिए वेट कर रही थी और वहाँ ऊपर भी कुछ हैं बुक्स जो इसने देखी हुई हैं दीज वंस बट ये बुक सेट्स नहीं है इज अ कलेक्शन है बेसिकली ईमान को कलेक्शन की अब लेकिन ये पढ़ रही है डिसाइड हो रहा है तो ये दो मैं इसको ले दूँगी और यहाँ पे एक और कलेक्शन लेगी फिर कौन सी लेगी यही डिसाइड नहीं हो रहा थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना अब वो वाली एक एक बुक 7-7 की है जैसे ये वो एक सेट है बट शी लव्स रीडिंग ये सारी बुक्स एंड शी इज हैप्पी यू हैप्पी ना वी हैव टू गेट द अदर वंस फॉर दिस सीरीज इसको बुक्स पढ़ने का शौक है मुझे था एक वो सेशन आया था थोड़ी देर के लिए उसके बाद चला गया था आई थिंक सो ये सब वो मूवीज़ में भी आजकल आ जाती है ना तो मूवी लगा लो पढ़ना पड़ता है बट कुछ होते हैं ईमान की तरह जिनको एक्चुअल रीडिंग में मज़ा आता है सो या ईमान वहाँ गई हुई है आई टेस्ट के लिए तो यहाँ ईमान की आई टेस्ट हो रहा था मैं गाड़ी में आ गई हूँ ईमान के भी आईज़ चेक हो चुकी हैं जो आईज़ हैं वो चेक हो चुकी हैं लेकिन क्योंकि ईमान को कुछ दिन पहले ना हेडेक हुआ था उसकी आई रेड हो गई थी और आई थिंक उसने बोला है कि एक आई उसकी काफ़ी कमज़ोर है दूसरी से तो वो कुछ करना चाहते हैं कुछ स्कैन सा करना चाहते हैं जस्ट टू लुक एट द बैक ऑफ हर आई तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो मैंने यहाँ पार्क की थी एक घंटा हो चुका है तो यहाँ से मूव करके एजडा की पार्किंग में करूँगी ताकि फिर से 90 मिनट्स मिल जाएँ तो अभी उसको वहीं छोड़ा है ताकि जब तक उसके वो चेक्स होते हैं उसके बाद ऑब्वियसली वो ग्लासेस अपनी चूज़ करेगी इतने में मैं अपनी गाड़ी दूसरी साइड पार्क करके आ जाऊँगी तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा देर रहे ना तो फिर फाइन हो जाता है एंड फाइन से बचने के लिए इज़ बेस्ट टू बी सेफ देन सॉरी लेटर तो बस यहाँ से अपनी गाड़ी निकाल के वहाँ पार्क करती हूँ और फिर ईमान के पास जाती हूँ तो यस ऑलरेडी 4 हो चुका है 5 बजने वाला है लेकिन कोई बात नहीं होपफुली सिर्फ इस आज स्टाफर्ड रोड चली जाऊँगी यहाँ से ख़त्म होके वहाँ पे चीज़ें देख के वहीं से कुछ खाना वाना लेके अरमान के पास चले जाएंगे और कल ना हुआ तो आलम रॉक अगर यहाँ से कुछ मिला नहीं तो फिर कल जाएंगे आलम रॉक अगर यहाँ से मिल गया तो फिर तो शॉपिंग होगी तो ये वैसे गुजरते गुजरते अपॉइंटमेंट नहीं बनाई थी क्योंकि अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही थी ऑनलाइन तो वैसे ही अंदर गई तो उसने बोला कैंसिलेशन है तो इसको चेक कर सकते हैं तो बिकॉज बहुत तकलीफ़ हो रही थी उसको अपनी आईज़ की वजह से उसको यूनी में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी बोर्ड उसको दिख नहीं रहा था उसकी पिछली ग्लासेस वो पहन रही थी उसका कोई असर नहीं था असर इसलिए नहीं था कि एक ठीक हो गई थी और एक नहीं ठीक हुई तो उसकी वजह से ग्लासेस का जो नंबर है वो चेंज होगा तो अभी होपफुली चेक कर दिया है उसने बोला है कि एक कमज़ोर है दूसरी से सो अभी सब सॉर्ट आउट हो जाएगा लेकिन सॉर्ट आउट करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा तो अभी ये सब कुछ करके उसके पास जाती हूँ और फिर वहाँ से हम अपनी शॉपिंग के लिए जाएंगे सारी पार्क कर दी अभी मान के पास चलती हूँ यहाँ पर भी काफ़ी रश हो गया है क्योंकि अभी ना स्कूल और काम वालों को छुट्टियाँ हुई हैं फिर बच्चे मॉस्क जा रहे हैं तो इस वजह से इस टाइम पर ना रश होता है तो ये है स्पेक्सेवल जहाँ ईमान है अभी यहाँ पे आके चेक करवाते हैं तो अभी वो इधर ही है तो उसके पास चलते हैं वेट कर रहे हैं कि आई टेस्ट हो चुके हैं बस डॉक्टर का वेट करने वो आए हैं और हमें बताएं कि इन्हें क्या हुआ
5 बज के 15 मिनट हो गए और हम लोग फिनिश हो गए यहाँ से, तो अभी चल के चलते हैं स्टाफर्ड रोड साइड पे ही, अगर कुछ मिल गया ठीक है, नहीं तो कल फिर निकलना पड़ेगा। ये अनएक्सपेक्टेड हो गया था कि इनके पास अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने कहा कि इसको मैं इग्नोर नहीं करती, इसको पढ़ने का भी काफ़ी शौक है और इसकी आंखों को भी, फिर सर में दर्द हो जाता है, सो इट्स नॉट गुड, बेटर कि हम लोग चेक करवा लें। तो अभी मुझे सुकून है कि इसकी आंखें वगैरह चेक करवा ली हैं, एवरीथिंग इज़ ओके, ग्लासेस लगी हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है तो वो भी हमने चूज़ करके जो फ्रेम है वहाँ पे अभी ट्यूसडे को कलेक्ट करना है, और मैंने अपनी भी अपॉइंटमेंट बुक कर दी है। वो कहते हैं ना, इसको देख के मैंने सोचा मैं भी करवा लेती हूँ, तो मेरी अब अगले ट्यूसडे को होगी ईद के बाद, तो अभी ईद की प्रिपरेशन करते हैं और चल के पहले कपड़े तो ले लें, चलें साथ चलें आप भी। और इस दफ़ा ना थोड़ा सा है, मुझे रेड कलर चाहिए, आई डोंट नो व्हाई आई वांट रेड कलर, बट रेड मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता, अभी तो चल के ही पता चलेगा वहाँ अवेलेबिलिटी क्या है, साइज़ और क्या वहाँ पे है, कौन सी डिज़ाइन हैं, पसंद आएंगे नहीं आएंगे, तो चले चलते हैं। टाइम टू डू शॉपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड। पहले हीरा और फिर ये अनारकली बाजार साइड पे चलते हैं, लुक्स न्यू ऑन सामी बुटीक, तो यहाँ घूमते हैं देखते हैं कुछ मिले नहीं मिले, फिर आगे चलते हैं। खुश नहीं खला, it's nice. Yeah. Yeah, red one. It's a bit of a dress type, yeah. But yeah. I want it a bit more longer. Excuse me. What do you mean by that? We're going to do some Arkali Bazaar thing. Got boys as well. Nice jewelry here. That was us. I like these, but I need a 2.8. That's a 2.8. Mom's got a pizza. They're not black, they're blue. Blue. Oh, this is cute. Can I come? Oh, these are like cute, like pink, and they've got yeah. Oh, I like that. It's got like a peachy color, yeah. Normal daily wear one. Nice. Hi, what are you doing? Bald head. Black is nice, Mano. Although if I have nothing good to say, I won't say it. I like this. Why is she coming? She's in a ghungat. We go in here. Nice gajri. And look at that. That's not very practical. कुछ अच्छे थे, but nothing जो मुझे ईद के लिए चाहिए. Yeah, nothing that caught my eye. देखिए लिखा हुआ है नो फूड नो फोटोग्राफी। पहले इस साइड से घूमेंगे, उसके बाद वापसी पे उस साइड पे, क्योंकि गाड़ी उस साइड पे पार्क है। सो यस, दैट्स व्हाट वी डूइंग। ओह, आई लाइक दिस, दिस आर द न्यू स्टाइल, यू नो, सिटिंग ऑन द फ्लोर काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक अ मोरक्कन काइंड। दुपट्टे आपने सुना होगा, मैंने पिछले दो वीडियोज पे किए हैं, वो ये हैं। That one. £15 goes in. It's kind of nice. I just thought. Yeah. So ye dupatte, £15 ka tha us din. And let's have a look. Oh, I like the black outside because that's a little bit colourful one. For like. Like anything. I found red, but. That is cute. I would wear the trousers thing to it now.
Yeah, but you can wear it that one. I don't want to cut it on the bow. Black and yellow one. It smells like curry. Black is green. Yeah, it's green. The frayed ones I was talking about. The nice. I like that blue one. Yeah. Outfit done. We won. Shukar kiya isne ki mujhe kuch pasand aa gaya. तो अभी अरमान के लिए कुछ लेते हैं खाने के लिए and then we go home. इतनी खुली जगह पे खड़ी करके गए थे लाइक बिल्कुल बैक से भी और फ्रंट से भी और किसी ने पार्क की और ये देखिए इसने क्या किया बिल्कुल साथ टच की हुई और ये मेरी नवी नई कार है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस वक्त मुझे कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है कि अभी मैं ऑन तो करूँगी और इसको पीछे करूँगी पीछे काफ़ी सारा डिस्टेंस है बट आगे भी बहुत सारा डिस्टेंस था ये वाली इसने सिर्फ जगह लेने के लिए बस इस इधर घुस गया ये टैक्सी वाला पीछे तो ये देखे कितनी काली इतनी डिस्टेंस था बट ना कुछ लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं होता ऑनेस्टली हाँ मानी लेट्स गो तो ये हुआ मेरी फर्स्ट ड्राइव पे दैट्स फाइन वो हमने देखा थोड़ा सा वहाँ पे निशान था तो ईमान ने देखा हमने पहले भी यहाँ से जाने से पहले भी पिक्चर ले ली थी क्योंकि हमारी गाड़ी प्रॉपरली पार्क है वो कहते हैं ना एक दफ़ा इंसिडेंट हो गया तो फूंक फूंक के कदम हम उठाते हैं तो बिल्कुल ये देखें यहाँ आगे पीछे भी काफ़ी सारी स्पेस है लेकिन नहीं इसको यहीं पर पार्क करनी थी और बिल्कुल साथ में लगा के पार्क करनी थी एनीवे चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं थोड़ी थोड़ी लाइक मोशन करके हम निकलना पड़ेगा तो हाँ इसने हाथ ही साथ ही गुस्सा दिला दिया ऊपर से रोज़ा भी था लग रहा है भूख लगी हुई अभी बर्गर्स की खुशबू आ रही है हमने यहाँ से बर्गर्स वगैरह भी ले लिए क्योंकि अभी जाते हुए ही रोज़ा खुल जाएगा व्हाट्स द टाइम ऑलरेडी 8:00 आई थिंक सो 10 या 12 पे खुलेगा सो हमारे पास इतना टाइम है कि आराम से घर पहुंचे और हरमान ने भी अपना बर्गर वगैरह चूज कर लिया था सो लेट्स गो होम घर आ गए हम और बस अभी वेट कर रहे हैं खाना खाने के लिए थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ मैं क्या लेके आई हूँ अपनी ईद के लिए वो इज़ा उसको ना एक सर्टिफिकेट मिला है Because he just did. So it's kind of nice. Arman ko. You don't know where we live. Attendance mili hai. Abhi isne dikhaya anyway. So maine kaun sa outfit liya hai? To aapne wahan dekha hoga clips mein ek kafi red sa tha. Is dafa pata nahi kyun mujhe red lena tha. To wo ek tick box kar liya hai. Maine ek red liya hai. This one kuch zyada ho gaya hai. I don't know if agar mujhe ye रखूंगी या वापस दे आऊँगी इट लुक नाइस ईमान को भी पसंद आया शी गोज मम्मी पे ने लुक क्यूट इन तो बस वो ना अब ओके घर ले चलती हूँ पसंद आया ठीक है नहीं तो उसने कहा था कि चेंज कर देगा वहाँ पे और भी कुछ ड्रेसेस थे बट आई डिड लाइक इट शरारा टाइप है शरारा पहनना नहीं है बट फर्स्ट फॉर एवरीथिंग तो ये मैं आपको दिखाती हूँ मुझे काफ़ी पसंद आया For the price, it was very good. Price आपने देखी होगी लिखा था 42 pounds and 50 मुझे 40 pounds का मिला तो let's see. ये रेड मरूनी टाइप है एक्चुअली मरूनी एंड गोल्ड तो वो बहुत ब्राइट रेड भी नहीं है आई लाइक दिस कलर सो ये वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स है तो आई नो इट्स डन अप टू मच अभी घर आई हूँ तो इसको खोला है तो इट इज़ टू मच बट देखूंगी अगर अच्छा लगा तो इट डजंट मैटर क्योंकि मसला यही है ना या तो बहुत ज़्यादा डन अप होते हैं या बहुत लो होते हैं तो दिस इज़ द कमीज़ और ये वाला जो है ना इसके साथ का शरारा है और साथ में बहुत ये देखें
दुपट्टा भी काफी हुआ हुआ ये इधर से, सो इट्स काइंड ऑफ नाइस। प्राइस के लिए मैं इसको वापस नहीं करूँगी, इट वॉज़ रियली गुड इन प्राइस। हाँ ईद लिया ईद के लिए, बट अगर अली ने कहा इट्स टू मच तो फिर ये मैं रख दूँगी, किसी और ओकेजन में पहन लूँगी, कोई शादी ब्याह पे, और नहीं तो ईद पे पहन लूँगी और फिर रख के फिर किसी शादी ब्याह पे पहन लूँगी। तो आई नो मैंने शबाना को पिक्चर भेजा, उसने भी कहा इट्स ब्राइडल आउटफिट। ब्राइडल आई डोंट, आई वोंट से इट्स टोटल ब्राइडल, पीछे से देखें प्लेन है, बट यस अभी वो वाइब आ रही है कि इट्स रेड। अगर मैंने इसको पहना एंड आई लव इट देन फिर आई डोंट केयर, आई विल वेयर इट। ब्लैक्स पहने हैं, दूसरे कलर्स पहने हैं, बट ये दिस इज़ माई फेवरेट कलर, तो क्या करें। तो प्राइस वाइज हिसाब से, और ये बहुत ही ये देखें अच्छा है, अगर ये इसका रफ होता या कुछ तो मैं शायद ये ना लेती। लाइक इट, बुरा नहीं है, फिटिंग परफेक्ट हुई हील्स या जो भी इसके साथ पहनूंगी, अगर मुझे खुद इफ आई फील दैट यस आई लाइक इट तो फिर आई वेयर इट, आई वोंट माइंड के बहुत ज़्यादा है, बट यस शबाना ने बोला है कि इट्स टू मच, और एंड आई नो वो दिख रहा है कि इट इज़ क्वाइट अ लॉट, क्या करें अब मिल ही नहीं रहा था। ऊपर से शॉप्स जो है बंद हो रही थी 7 बजे, कुछ शॉप्स 6 बजे बंद हो जाती हैं और ये वाली शॉप 7 बजे बंद हो रही है, इसके साथ भी कुछ 7 बजे बंद हो रही थी। तो यही था कि इसको देखा लेकिन मैंने उस वक्त लिया नहीं, यहाँ पे और भी कुछ अच्छे आउटफिट थे, दूसरी दुकान पे भी एक आउटफिट पसंद आया पर साइज़ नहीं था। फिर हम पूरे राउंड गए क्योंकि उन्होंने जब बोला ना कि थोड़ी देर में बंद हो जाएंगी सारी शॉप्स, तो एक क्विक राउंड मारा मैंने, तो यही यही था प्राइस वाइज और डिज़ाइन वाइज और कलर वाइज यही पसंद आया। इसमें भी एक ग्रीन कलर था, मिंट टाइप कलर, एक वाइट कलर था, एक ग्रे कलर था और ये रेड था। ग्रे और रेड में ऑप्शन था, जब ग्रे खोला ना तो उसमें ना जो गोल्ड था ना उसमें थोड़ा थोड़ा ऑरेंज था जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, इट डिडंट सूट दी आउटफिट। रेड वाला ये जो है ना इसके साथ जो ये गोल्ड है और जो यहाँ ये पार्ट है ये इसका ये वाला पार्ट, तो इट लुक्स नाइस। तो इसके अलावा भी मैंने 2 सूट्स लिए हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मुझे ये बहुत पसंद आया है, इट इज़ फॉर ईद, ईद के लिए ही लेके आई हूँ, बट वही है ना अगर मुझे लगा कि ये ईद टाइप नहीं है, लाइक अगर सब ने सटल सटल पहने तो मैं सटल वाला भी है वो पहन लूँगी, और अगर मैंने देखा सब ने लश वश पहना हुआ है तो फिर मैं ये पहनूंगी। तो ये तो वही है ना जब वो अपने आउटफिट्स लेंगे और मुझे अपनी पिक्चर्स भेजेंगे, मैंने भेज दिया है मैंने ये लिया है, तो जब वो लोग भेजेंगे और मुझे पता चलेगा कंपेयर करूँगी इज इट टू ओवर और नो, उसके हिसाब से मैं कर लूँगी। तो अब 2 तो आउटफिट हैं, एक नाइस एंड सटल एलिगेंट और एक लश वश वाला। तो आपको दूसरे सूट्स दिखाती हूँ, वो अनस्टिच्ड हैं, उसमें भी एक रेड है, उसमें ब्लड रेड था, वो मुझे काफ़ी पसंद था, मुझे यही था अगर कुछ और ना मिला तो मैं उसको सिलाई कर दूँगी, उसकी कमीज़ बना दी, लॉन्ग ड्रेस बना दिया, तो एक ऑप्शन है। और उसके साथ एक और कलर, मुझे उस कलर का नाम नहीं पता, मुझे ये भी याद नहीं रहा, वो था कि अब बेजी था कि पर्पली था लाइट, तो वो अब आपको दिखाती है। वो अनस्टिच थे, 18 पाउंड्स के थे, विच वर नॉट बैड, तो वो मैंने लिया है, वो भी आपको दिखाती है। ये लिए, ये एक इसी टाइप के कलर में ना बाहर लटका हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था, और इसमें जब अंदर गई तो रेड था तो मुझे अच्छा लगा, और फिर ये डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो ये है 4 पीस सूट से, बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसका दुपट्टा भी नाइस लग रहा था सॉफ्ट सा, और ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, साथ में लिनन लगेगी, उसने सब कुछ दिया है इसमें, लाइनिंग और ट्राउज़र सब यही कपड़ा है। और ये मुझे वैसे ही इसको जब मैं देख रही थी तो कंपेयर यही करती है, अच्छा सा लॉन्ग ड्रेस हो जाए, ये बाजू भी है साथ में, अच्छा सा लॉन्ग ड्रेस हो जाए एंड इट विल लुक रियली नाइस। ये देखें, ये लास्ट पीस था उसके पास, तो ये इसका भी डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, इसका ये देखें दुपट्टा काफ़ी प्यारा है एंड ये भी इसके साथ भी लाइनिंग है और ट्राउजर्स है, और इसका भी डिज़ाइन नाइस है, इसके साथ भी लॉन्ग ड्रेस या कुछ ऐसा सिलाई कर दो, लाइक खुद ही करूँगी तभी अच्छा बारे में पड़ेगा, अगर मैंने किसी को दिया सिलाने के लिए तो वो तो इतना ज़्यादा ले लेगा। तो ये थोड़ा सा ऐसा कुछ पता नहीं है, जब मैं इसको खोलूँगी तो पता चलेगा कि मैं कैसे सिलाई कर सकती हूँ, मैं हाँ से कमीज़ ही बनेगी, इसका कमीज़ का ही लगता है कपड़ा है, तो यस लगता है एक प्लेन होगा और एक ये होगा, आई डोंट नो, ये बस पड़े हुए थे वहाँ पर तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये 2 ले लिए, नाइस। तो ये लिए, और ये एक मेहंदी का लिया, कौन ऐसे पड़ी हुई थी मेहंदी लेकिन वो ऑब्वियसली काफ़ी अरसे की थी, तो आई वाज लाइक चलो एक नया कौन भी ले लेती हूँ, और वहाँ कुछ स्टेंसिल्स थी पड़ी हुई,
मैंने कभी स्टेंसिल्स यूज़ नहीं की, पर मुझे लगा कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल एंड मोमेंट पर भी कहते हैं छोड़ो मेहंदी नहीं लगाती, तो ये कुछ 3 पाउंड्स का पड़ा था, ये स्टेंसिल्स हैं, ये वो कह रही थी बस अपने हाथ पे स्टिकी 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 टाइप है, इसको लगा के इसके ऊपर मेहंदी कर दो तो इसका जो भी डिज़ाइन है ना ये डिज़ाइन ये लग जाएगा। तो ये मुझे कुछ ओके लगा कि एक हाथ में अगर ना ना लगा सकी तो जल्दी से लगा लूँगी, बट ओके लग रहा है, तो आई माइट ट्राई दिस आउट। तो यस, ये थी मेरी शॉपिंग ईद की। तो यस, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अभी बस रोज़ा खुलने वाला है, इफ्तारी होने वाली है, तो बर्गर्स ही लेके आए हैं, ईमान और रेडी टेबल लगा चुके हैं, तो बस चल के खाना खाते हैं और फिर मैं अपना आउटफिट ट्राई करूँगी और यस ये वाले रख दूँगी। देखिए दोनों रेड्स थोड़े थोड़े डिफरेंट है, ये मरून है, करेक्शन ये मरून है जो मैं ईद पे पहनूँगी, और ये वाला रेड है, बट आई लाइक सम सो यस।